ऑल राइट, तो क्या हाल है दुसैद कुमार शेख। ये है हमारा 13 डेज क्रैश कोर्स सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो दीपक भाई आपको बताएंगे क्या करना है। ये एक ट्रेडिंग सीरीज़ है जिसमें कुमार मेरे को ट्रेडिंग सिखाएंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। करेक्ट। और जो भी हम सिखा जो भी ये सीखेंगे वही मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीख पाओ। राइट, तो ऊपर आई बटन में लिंक आया होगा, पहले जाके पहला चैप्टर देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, उसके बाद आप आके ये देखना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो परंपरा को निभाते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बटन दबा देता हूँ एक बार, ठीक है। जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी है लोगों का भौंकना बंद कराने के लिए कि कुमार शेख क्यों ब्रांड है, ठीक है। आज मैंने ट्रेड्स नहीं लिए हैं, देख लो लीडर बोर्ड खाली है। अगेन एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख लो लाइव अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये 20 जनवरी यानी कि आज 21 जनवरी कल 20, ये कल की ट्रेड्स हैं। कल मैं लीडर बोर्ड पर टॉप पोजीशन पे था, नंबर वन पोजीशन पर $23,000 के प्रॉफिट के साथ, ओके। अगर आपको नहीं पता, मैंने कल टेलीग्राम पे सब कुछ डाला हुआ था, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हर उस जगह पर हेल्प करेगा जहां पर आपको कन्फर्मेशन की ज़रूरत है। मान लो कि प्राइस आपका सपोर्ट लेवल पर आया और वहां पे मॉर्निंग स्टार बन गया, तो वो आपके लिए कन्फर्मेशन है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार इज़ इंडिकेशन ऑफ बुलिश मूवमेंट, है ना। तो अगर सपोर्ट लेवल पर आपका मॉर्निंग स्टार बन रहा है, दैट्स अ बिग कन्फर्मेशन दैट आपको बटन दबानी चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा, और हमें पहला कन्फर्मेशन कि सपोर्ट लेवल है, दूसरा कन्फर्मेशन हमारा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है जो कि मॉर्निंग स्टार है, जो कि उसी डायरेक्शन की बात करता है जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी है। और मान लो कोई पैटर्न है, जैसे कि मान लो कि डिसेंडेंट ट्रायंगल है या कोई भी पैटर्न है, तो किसी भी पैटर्न के लेवल पर मार्केट जब आके क्लोज होता है तो उस लेवल पर मान लो बुलिश एंगल्फिंग बन जाए या बेरिश एंगल्फिंग बन जाए, तो आपको हर एक लेवल पर वो पैटर्न कंफर्म करेगा कि हाँ ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा एग्जांपल लें, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, दिख रहा होगा आपको आई होप। कहाँ पे बनी है? रेजिस्टेंस पे बनी है। तो रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर का बनना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको? मतलब सोचो, पहली चीज रेजिस्टेंस लेवल, दूसरी चीज इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर इज इंडिकेशन दैट वहां पे मार्केट अब गिरने वाली है, सीधी सीधी शॉर्ट शॉर्ट होती है आपकी। तो दैट्स, अब ये देखो ये क्या है, ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। कहां बना है? रेजिस्टेंस लेवल बना है। तो रेजिस्टेंस लेवल पर बेरिश एंगल्फिंग का बनना, दैट्स अ बिग कंफर्मेशन अगेन, वहां पे पुट लेते शॉर्ट शॉर्ट होती। तो ऐसे ही आपको जो पैटर्न्स हैं वो हर जगह काम करेंगे, ठीक है। ये आपका देखो, ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, इवनिंग स्टार, ये तीनों कैंडल मिला के ये इवनिंग स्टार है। ग्रीन कैंडल जहाँ आपका बीच में स्पिनिंग टॉप एंड रेड कैंडल, ये आपका तीन कैंडल का पैटर्न होता है इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट गिरी है, ऑलराइट। तो दैट्स वाई कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड तक देखना। अब देखो, कहने को तो बहुत सारे पैटर्न है, इतने पैटर्न है कि ये वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी। तो सारे पैटर्न नहीं सीखेंगे हम, मेन जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं, गिनती के आई थिंक 7-8 पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं, सबसे ज़्यादा लाइक वो हम सीखेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं वही यूज़ करके आप प्रॉफिट कर सकते हो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। इसके लिए मैं हम खोलेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू फटाफट से, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा पाऊंगा और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ओके। यहाँ पर खोल लेते हैं हमने निफ्टी का चार्ट। ऑलराइट, तो हमारी आंखों के सामने निफ्टी का चार्ट आ गया है। तो सबसे पहला पैटर्न जो हम सीखेंगे वो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ओके, ठीक है। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? बुलिश एंगल्फिंग नाम में ही क्या है, बुलिश है।
तो यानी कि ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट क्या होती होगी? बुलिश होती होगी। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न डाउन मूवमेंट के बाद बॉटम पर बनता है, और इस वाले पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में बुलिश मूवमेंट, एक बुलिश मूवमेंट दिखती है। वो छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ओके, राइट। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता कैसा है? ये रहा आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसमें गिरती हुई मार्केट में बॉटम पर एक आपकी रेड कैंडल आएगी। ओके, और उस रेड कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आएगी, जिसकी क्लोजिंग आपकी पिछली वाली रेड कैंडल से ऊपर होगी। यानी कि आगे वाली ग्रीन कैंडल पीछे वाली रेड कैंडल को पूरी एंगल्फ कर लेगी, ढक लेगी हम अपने अंदर, लाइक दिस। इस वाले पैटर्न के बाद आपको यहां पर 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है। ये है आपका पहला पैटर्न। क्या नाम है इसका? बुलिश एंगल्फिंग एंगल्फिंग, ठीक है। अब इसके कुछ लाइव एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। ओके, जैसे कि यहां पर देखो, मैंने कहा था लाइव है, अब देखो ये लो, मार्केट क्या कर रहा है? डाउन मूवमेंट में, राइट। डाउन मूवमेंट में यहां पर मैंने क्या कहा था, एक रेड कैंडल आएगी, आई उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल आएगी, जिसकी क्लोजिंग रेड वाली से ऊपर होगी और अपने अंदर पूरी ढक लेगी ये इस रेड कैंडल को। हुआ ऐसा? हाँ, राइट। तो ये आपका दो कैंडल का पैटर्न, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। इसके बाद आप 3 से 5 मिनट की कॉल लेते, शॉर्ट होती, आईटीएम होती, राइट। और ढूंढते हैं फटाफट से एक बार हम, ठीक है। अब और कहाँ पे है आपका येरा, ये देखो, मैं और बड़ा करता हूँ ताकि लोगों को अच्छे से दिखे स्क्रीन पर। ये लो, दिस इज कॉल्ड योर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, कि डाउन मूवमेंट पर एक रेड कैंडल आएगी, उसके बाद एक ग्रीन बिग कैंडल आएगी जो रेड कैंडल को पूरी तरह ढक लेगी अपने अंदर, ठीक है। और उस वाली ग्रीन कैंडल के बाद आपको 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है, वो आपकी आईटीएम हो जाएगी। तो ये है आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो बनता है डाउन मूवमेंट के बॉटम पर, और उसके बाद हमें 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है। सिंपल। अब इसका उल्टा होता है हमारा जो अगला पैटर्न है, वो है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो जैसे बुलिश एंगल्फिंग में एक मूवमेंट डाउन होती है, उसके बाद रेड कैंडल आती है और ग्रीन कैंडल ढकती है, उसका ठीक उल्टा, इसका मतलब बेरिश एंगल्फिंग एक बुलिश मूवमेंट के टॉप पर बनेगा, यानी कि बुलिश मार्केट का कहीं टॉप पर बनेगा। एक ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगी जिसकी क्लोजिंग ग्रीन से नीचे होगी, और ग्रीन कैंडल इसके अंदर ढकी हुई होगी, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। इस वाले पैटर्न के बाद आपको 3 से 5 मिनट की पुट लेना है। सिंपल, यही है आपका बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये कहाँ बना है, चलो ढूंढते हैं फटाफट से, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, ऊपर बना है एक। और बढ़िया ढूंढते हैं ताकि, हाँ ये रहा, देखो जूम करता हूँ मैं फटाफट, दिख रहा है? ऑल राइट। तो लेकिन ये भी देखो, थोड़ा कन्फ्यूज होंगे लोग, क्योंकि ना स्टॉक ये निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन दिखते हैं, लेकिन बाइनरी में तुमको नहीं दिखे कहते हैं। मैं बाइनरी में अगर तुमको दिखाऊँ तो देखो, ये रहा तुम्हारा, अब ये कौन सा पैटर्न अभी हमने सीखा था, बुलिश एंगल्फिंग। मार्केट देखो कहाँ गई है इसके बाद, बिल्कुल परफेक्ट। तो बेरिश एंगल्फिंग आपको यहीं कहीं होगा, अभी मिल जाएगा एक मिनट में। ये रहा मिल गया। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी अप मूवमेंट के बाद बेरिश एंगल्फिंग है। ये बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे आपके लिए एक कंफर्मेशन का काम किया कि गिरती हुई मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग बना, यानी कि मार्केट भी और गिरेगी, दैट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। सिंपल, ये क्या है? बुलिश मार्केट कहाँ गई? बूम। ये क्या है? ये बुलिश है, ठीक है। जहाँ अब ये क्या है? ये बेरिश है, बेरिश है, जो हमने अभी सीखा। तो यही है आपका बेरिश एंगल्फिंग, जो भी हमने यहाँ पे बनाया था, राइट, कि एक बुलिश मूवमेंट पर टॉप पर बनेगा। देखो बुलिश मूवमेंट पर टॉप पर बना है, उसके बाद पहले एक ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद एक रेड आएगी जिसकी क्लोजिंग ग्रीन वाली से नीचे होगी। ग्रीन आएगी, उसके बाद रेड आएगी, इसकी क्लोजिंग इससे नीचे, ग्रीन वाली ढक जाएगी इसके अंदर। इसके बाद आपको 3 से 5 मिनट की
पुट लेनी है, अगर लेते तो शॉर्ट शॉर्ट। यही होता है आपका बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ओके, इजी सिंपल। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है हैमर। ठीक है, हैमर मतलब हथौड़ा, राइट? जैसे हथौड़े का शेप होता है ना, वैसे ही यहाँ पर हैमर कैंडल बनती है। अब हैमर, अब दो हैमर होते हैं, एक होता है हैमर और एक होता है हैमर और एक होता है इन्वर्टेड हैमर। हैमर मतलब सीधा हैमर और इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर, राइट? तो जो हैमर होता है, अब देखो मैं पिक्चर बनाता हूँ एक बार। ये आपका हैमर, ये आपका इन्वर्टेड हैमर, यानी कि ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, सिंपल। अब दोनों का काम बिल्कुल उल्टा है, याद रखना। तो जो हैमर है वो गिरती हुई मार्केट के बॉटम पर बनता है, गिरती हुई मार्केट के बॉटम पर बनेगा, याद रखना। इसकी एक मीडियम साइज बॉडी होती है और बड़ी वीक होती है। बड़ी वीक का मतलब बड़ी वीक, ऐसा ना हो कि छोटी सी वीक हो, इतनी हो, इतनी थोड़ी बड़ी वीक होनी चाहिए, ऐसे बड़ी बड़ी वीक हो, ठीक है, इतनी ऐसे, ऐसा ना हो कि छोटी से छोटी सी, मतलब वो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हैमर का मतलब यही है, उसका हथौड़ा बड़ा होता है, राइट? सो बड़ी वीक होनी चाहिए। उसके बाद जब हैमर कैंडल बन जाए, तो हैमर कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल और बनने देना। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद आप 3 से 5 मिनट की कॉल लोगे। इजी सिंपल, समझ गए? इसी का उल्टा होता है हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो मैं मिला भी था शायद अभी स्टार्टिंग में। ये बनता है आपका बुलिश मार्केट में। तो बुलिश मार्केट के टॉप पर जब आपका ये वाला पैटर्न बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, मीडियम साइज बॉडी होती है, बड़ी वीक होती है, इसके बाद एक रेड कैंडल बनने देना। उस रेड कैंडल के बाद 3 से 5 मिनट की तुम पुट लेना, 3 to 5 मिनट। ये है हैमर और इन्वर्टेड हैमर का ट्रेड लेने का तरीका और इसके फीचर जो भी हैं, ठीक है। तो हैमर कहाँ पे बनता है? हैमर बनता है मतलब डाउन ट्रेंड के बॉटम पर, है ना? और इसके बनने के बाद क्या होता है, मार्केट वहाँ से अप जाएगी। इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है? वो चार्ट के उस पे टॉप पे बनता है, बुलिश मोमेंट के, हाँ। और इसके बाद मार्केट क्या करती है? इसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। ऑल राइट, ढूंढते हैं फटाफट इसको, ठीक है। यहीं पे ढूंढते हैं फटाफट, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे, जूम भी कर पाएंगे, यहाँ पर जूम भी नहीं होता है, ठीक है। अब पहले मैं चार थोड़ा छोटा कर लूँगा, जब दिखेगा बड़ी वीक किधर है। आई थिंक हमें इन्वर्टेड हैमर तो मिल गया है, दो जगह दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एक ये है, कहाँ ये, हाँ, लेकिन ये तो गलत जगह बनाना है। हाँ, इन्वर्टेड हैमर हमें ऊपर बनता है, तो एक तो ये है, हाँ, एक इधर भी है, राइट? ज़ूम करके ज़्यादा कुछ समझ में आएगा इजीली। देखो सिंपल जो बताया था, मीडियम साइज बॉडी, बड़ी वीक, है ना? तो ये रहा आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल, बुलिश के टॉप पे बनता है, इसके बाद मार्केट गिरता है। मैंने कहा था इसके बाद एक रेड कैंडल बनने देना, और जब रेड बनेगी उसके बाद 3 से 5 मिनट की पुट लगो। एक बात और कि जो हैमर का कलर है ना, वो कोई भी हो सकता है। ओके, मतलब जैसे कि ये ग्रीन हैमर है, रेड भी चलेगा, ग्रीन भी चलेगा, दोनों ही एक्सेप्टेड है, ठीक है, नीचे भी ऊपर भी। ये देखो, ये आपका हैमर है, देखो ये सामने है, ये आपका हैमर कैंडल है, दिख रहा है? बिल्कुल हैमर साइज बॉडी, नीचे बड़ी विक, ऊपर छोटी बॉडी है, नागी वाला बॉडी होती है। तो ये आपका हैमर कैंडल है। इसके बाद देखो, मैंने कहा था ग्रीन बनने देना, ग्रीन बनने के बाद 3 से 5 मिनट की कॉल लेते तो छोटी छोटी होती, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना? तो ये रहा आपका इन्वर्टेड हैमर सामने लाइव, और ये रहा आपका हैमर लाइव, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आपका इन्वर्टेड हैमर ये भी है, ये नहीं होगा। आप क्यों, अब देखो लाइव एग्जांपल सामने, क्यों? क्योंकि नीचे बड़ी वीक है, नीचे या तो छोटी वीक होगी या ना के बराबर वीक होगी, ये बड़ी वीक है, देख रहे हो? इतनी बड़ी वीक एक्सेप्टेड नहीं होती, इतनी चलती है, समझ गए?
और ढूंढते हैं एग्जांपल फटाफट से, यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। अब देखो यही रहा इन्वर्ट हैमर है सामने, क्या कहा था नीचे छोटे भी के ना के बाबा भाई, उसके बाद मार्केट क्या हुआ है गिरी है, राइट परफेक्ट काम किया है ना, ठीक है। अब आपका एक हैमर ढूंढ लेते हैं फटाफट से, क्योंकि इन्वर्ट हैमर तो बहुत दिख रहे हैं मेरे को। ये हैमर है, ये हैमर देखो एक नज़र में दिख गया, राइट देखो ये आपका हैमर कैंडल है, नीचे बड़ी विक है ऊपर छोटी विक है, नागे बाबा विक है। इसके बाद मैंने कहा था ग्रीन कैंडल बनने देना, बनी। इसके बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी थी आपको। अब मान लो कि 3 मिनट की अगर कॉल लेनी थी आपको, अगर मान लो 3 मिनट की कॉल लेते तो 1 2 3 1 2 3 मार्टिंगल आईटीएम है, और अगर 5 मिनट की लेते तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मार्टिंगल आईटीएम। तो मार्टिंगल आईटीएम आपका यहाँ पर दोनों हुआ है, क्योंकि मार्टिंगल तो देखो हमेशा अप्लाइड होता है बाइनरी ऑप्शन में खासकर, क्योंकि ये वो स्टॉक नहीं है। स्टॉक में तो क्या भाई, मतलब जहाँ पे मान लो कोई पैटर्न बना, मान लो कि आपको यहाँ पे देखो हैमर है, ये रहा ये देखो ये बॉटम पे हैमर है, ये रहा हैमर अब बना। अब इसके बाद यहाँ पे कोई कैंडल गेम नहीं है कि हमें 3 से 5 मिनट की ट्रेड ले, यहाँ तो लेके छोड़ दो, यहाँ लगा दो अपना टारगेट स्टॉप लॉस, जो होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट की ट्रेड होती है, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, तो मार्केट में एरर आते हैं, तो उन एरर से बचने के लिए मार्टिंगल हमेशा ऑटो अप्लाइड है, ठीक है। तो ये रहा आपका सामने लाइव, किधर से अभी हमारा ये तो है हैमर। अभी जो दूसरा हैमर था ये भी हैमर है, देखो ये भी एक हैमर है। इसके बाद ग्रीन बनी, इसके बाद कॉल लेते तुम्हारा शॉर्ट शॉर्ट होता, लेकिन अभी एक हैमर और मिलता ना हमको जिसमें एरर आया था, आई थिंक वो कहीं घूम गया शायद, कोई नहीं हमको एग्जांपल मिल गया, राइट। ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, दो जगह हैमर्स हैं। ऑलरेडी यहाँ का हैमर बना नहीं, ये आपका हैमर है, इन्वर्ट हैमर है तो यहाँ पे नीचे हाँ, उसके बाद मार्केट गिरा है। तो जहाँ जहाँ आपको ये आपका हैमर ग्रीन हैमर, उसके बाद मार्केट गया है ऊपर, और ये भी देखो अभी देखो, अब देखो ये आपको पैटर्न में यूज़ आया, क्योंकि देखो ये पैटर्न के बॉटम पर बना है। इसके बाद ग्रीन आई, यहाँ से लेते शॉर्ट शॉर्ट, राइट। बाकी तो आपका बहुत सारे पैटर्न देखो, ये रहा आपका एक हैमर, ये है ना, और ये देखो आपका ये क्या है, ये ओ बुलिश एंगलफिंग, परफेक्ट काम किया है, राइट। तो ऐसे ही है, तो ऐसे यही होता है हैमर, ऐसे ही काम करता है। आई होप समझ गए होंगे, हैमर और इन्वर्ट हैमर दोनों। तो 4 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं, अगला हम सीखेंगे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। बहुत सिंपल पैटर्न है, ठीक है। ये आपके सामने इवनिंग स्टार है, तो समझ लो सामने लाइव ही दिख रहा है तो सब कुछ, ठीक है। मॉर्निंग स्टार भी देख ही लेता हूँ मिल जाए तो। ये रहा आपका मॉर्निंग स्टार, ये रहा आपका इवनिंग स्टार, दोनों एक ही फ्रेम में आ रहा है। फटाफट सीखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जो मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है, मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह की शुरुआत। इसका मतलब होता है कि अब रात ढल गई, अब सुबह का सवेरा आने का टाइम आ गया, यानी कि बहुत अब मार्केट गिर गई, अब मार्केट चढ़ने का टाइम आया है। तो यानी कि ये बनता है गिरती हुई मार्केट में, जब मार्केट आपकी फॉल हो रही हो, गिर रही हो, गिरते हुए मार्केट के बॉटम पर आएगा, जिसमें एक रेड कैंडल बनेगी, ये बनी। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल होगी, वो आपकी डोजी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप कैंडल हो सकती है, हैमर हो सकता है, हैंगिंग मैन हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, कोई भी कैंडल है सारी एक्सेप्टेड होती हैं। यहाँ पर देखो हैमर बना है, बीच में एक ऐसी कैंडल होगी, उसके बाद आपकी ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल है। तो ये 3 कैंडल का पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, सिंपल।
इस वाले पैटर्न के बनने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और एक्स्ट्रा बनने देना। जब ये बन जाए इसके बाद आपको 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है। मतलब कि जब इस स्क्रीन के बाद ये ग्रीन बनी उसके बाद 3 से 5 मिनट की कॉल, ठीक है, क्लियर। ये है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब आपका इवनिंग स्टार पैटर्न ये रहा सामने लाइव। अब इवनिंग स्टार का मतलब बहुत चढ़ लिया, अब ढलने का टाइम है, यानी कि ये बनता है चढ़ती हुई मार्केट में, ये बुलिश मार्केट के टॉप पर बनता है, जिसमें एक ग्रीन कैंडल आती है, ये आई, बीच में एक कैंडल होती है जो स्प्रिंग टॉप डोजी हैमर कोई भी हो सकती है, ये आई, ये एक आपकी हैंगिंग मैन कैंडल है ये, ठीक है, आई थिंक हैंगिंग मैन ही है, ज़्यादा मुझे एक लेना हैंगिंग मैन फटाफट, हैंगिंग मैन कैंडल देखो, हाँ हैंगिंग मैन कैंडल, शूटिंग स्टार लग रहा है, खुद ही कंफ्यूज हो गया, शूटिंग स्टार ही, शूटिंग स्टार लगना, सेकंड, हाँ, शूटिंग स्टार है ना, शूटिंग स्टार है ये, तो यार काट देंगे ना, ठीक है। ऑल राइट, तो आपको जो ये इवनिंग स्टार पैटर्न होता है ये बुलिश मार्केट के टॉप पर बनता है, राइट जैसे कि यहाँ पर आया, एक पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, बनी, उसके बाद बीच में आपकी कोई भी कैंडल हो सकती है, मान लो शूटिंग स्टार हो या हैमर हो या हैंगिंग मैन हो या डोजी हो, ग्रेवस्टोन डोजी हो या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो एक्सेप्टेड है, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल आएगी, तो ये 3 कैंडल का पैटर्न को हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। और इसके बाद एक रेड और बनने देना जो कि बनी, इसके बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी थी। ओके, सिंपल, समझ गए मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार लाइव एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो यही थे आपके 2 पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न थे। चलते हैं इसके साथ आगे, हमारा जो अगला पैटर्न है वो है आपका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मैं आपको वही कहूँगा कि आप देखो बहुत सारे पैटर्न हैं लेकिन डोजी बहुत जगह दिखता है, हाँ। तो डोजी सीखते हैं फिर, ठीक है। तो इस वक्त मुझे एक सामने पैटर्न एक डोजी दिख रहा है ये, अब ये है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब डोजी 2 होते हैं, इनका मतलब लोगों के दिमाग में थोड़ा क्लियर नहीं होता, मैं समझाता हूँ। देखो 2 डोजी होते हैं, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में बड़ी वीक होगी और ऊपर आपका ऐसे ये होगा, मतलब उसकी ओपनिंग क्लोजिंग एक ही पॉइंट पर होगी, ऊपर की तरफ नीचे बड़ी वर्क होगी, लाइक दिस एग्जैक्ट कॉपी, दिस इज योर ड्रैगन फ्लाई डोजी। एंड इसी का उल्टा होता है ग्रेवस्टोन डोजी, राइट। ग्रेवस्टोन डोजी में इसका उल्टा ही पिक्चर होती है, बिल्कुल बड़ी वर्क ऊपर होगी और नीचे इसका ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट नीचे होगा, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ सही, कन्फ्यूजन होगा मेरे को बोला है ना। ऑल राइट, तो ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड दिस इज योर ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अब दोनों का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है, काम करने का तरीका। ड्रैगन फ्लाई डोजी आपकी एंड आपका जो ग्रेवस्टोन डोजी है बढ़ती है मार्केट में, यहाँ पर बुलिश मार्केट के बाद बनेगी, बाद मार्केट गिरेगी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्योंकि देखो जो ग्रेव सॉरी क्या नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इतने सारे पैटर्न है ना भाई दिमाग में चक्कर आ जाता है, क्योंकि ये तो कुछ नहीं अभी दिमाग में, दर्जनों पैटर्न है बहुत सारे, तो उनके फंक्शन सब याद रखना और वो सब कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है, राइट। सो आपका ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपका एक गिरते हुए मार्केट के बॉटम पर बनेगा, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट सेम रहता है। एक बात याद रखना, उसमें बॉडी नहीं होती, मिनिमम बॉडी भी नहीं होगी, अगर मिनिमम बॉडी हुई तो फिर वो अलग 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 पैटर्न हो जाएगा वो, राइट। ऐसे ये देखो, इसमें बॉडी है, इसमें बॉडी दिख रही है आपको, माइनर बॉडी है लेकिन है। डोजी में मान लो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, लेकिन आखिरी में आके वो इसी पॉइंट पर क्लोज हो गया, जहां से खुला था वही ओपन हो गया वो, राइट, लाइक दिस,
वो आपका डोजी में काउंट होगा। अगर बॉडी हुई वो डोजी में काउंट नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपका गिरते हुए मार्केट के बॉटम पर बनेगा, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने देना, उसके बाद 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है, ठीक है। और आपका ग्रेवस्टोन डोजी आपका चढ़ते हुए मार्केट के टॉप पर बनेगा, इसके बनने के बाद एक रेड कैंडल बनने देना, उसके बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है, ठीक है। आई होप आप सीख गए होंगे। फटाफट हम ढूंढते हैं इसको लाइव, ऑल राइट, यहीं पर ढूंढते हैं बाइनरी में ही। ये बहुत सारी है कहाँ, ये ग्रेवस्टोन ना, नहीं बॉडी है ना उसकी। हाँ मैंने कहा बॉडी नहीं होगी। मैं आपको पहले एक लाइव एग्जांपल दिखाई देता हूँ कि डोजी ये इसको बोलते हैं डोजी। ये देखो दोनों डोजी हैं, और दोनों कौन सी डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है दोनों। इसको मैंने कहा ना बॉडी नहीं होगी, अब लाइव एग्जांपल देख लो, कंफ्यूजन ना होता कि दोबारा आपने इसको डोजी कहा था, इसमें बॉडी है। ओपनिंग कहाँ हुई, यहाँ। क्लोजिंग कहाँ हुई, थोड़ी नीचे नीचे। लेकिन इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग कहाँ है, जहाँ खुली वहीं बंद हुई, यही होती है डोजी। तो आप आपकी आंखों के सामने इस वक्त एक जीता जाता एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई डोजी का, राइट। यहाँ पे तीन है देखो, 1, 2, 3। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस जहाँ मर्जी बनेगा वहीं आप ट्रेड ले लोगे, ये आप तभी ट्रेड लोगे जब ये किसी डाउनफॉल में बनेगा। तो उसका एक अच्छा मतलब है, चढ़ते हुए मार्केट में उसका मतलब अलग ही हो जाएगा, उसका मतलब वो हो जाएगा कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लो, वो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे, राइट। क्योंकि मान लो अगर मार्केट चढ़ रहा है, ठीक है, चढ़ते हुए मार्केट में अगर तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई डोजी आ जाए तो वो तुम्हारा रिवर्सल काम नहीं करेगा, वो कंटिन्यूएशन का काम करेगा। एग्जैक्ट देखो यहाँ पे 1, 2, 3 बार आया, मार्केट क्या रिवर्स हुई, नहीं चढ़ती गई, राइट। तो ऐसा ही होता है। अब आपका ये देखो कौन सा पैटर्न है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ये कहाँ बनना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड में, नहीं अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में टॉप पे बनना चाहिए। तो अच्छी जगह बना है, इतना कोई वो बुरा नहीं है। इसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूस गिरी है, राइट। अब यहाँ पे भी देखो बना हुआ है एक, इसके बाद मार्केट गिरी है, राइट। और देखते हैं फटाफट से, ये कौन सा पैटर्न है, ये ड्रैगन फ्लाई, ये क्या ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। तो पैटर्न के नाम याद करवा रहा हूँ आपको फटाफट से, ये कौन सा पैटर्न है, ये वो हैमर, हैमर करेक्ट करेक्ट। ये कौन सा पैटर्न है दो कैंडल का, ये बुलिश एंगल्सिंग। ये कौन सा पैटर्न है दो कैंडल का, बेयरिश एंगल्सिंग। ठीक है, बढ़िया। अब देखो उसकी बॉडी है, राइट। तो ये डोजी में काउंट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब जहां ओपनिंग वहीं क्लोज, एग्जैक्ट दिस। अब हाँ, अब ये डोजी नहीं है। अब जब हम डोजी सीख ही रहे हैं तो साथ ही साथ हम स्पिनिंग टॉप भी सीख लेते हैं। तो डोजी तो हमने सीख लिया, एक और पैटर्न होता है इसका, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। बहुत सिंपल उसका फंक्शन होता है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वही होती है जहाँ वो होता है। मतलब देखो, मतलब वो ऐसे भी हो सकता है और छोटी सी बॉडी भी उसकी एक्सेप्टेड होती है। लेकिन इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें ऊपर और नीचे बराबर वीक होती हैं, ऑलमोस्ट बराबर वीक होती हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है, लाइक दिस। और मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से, ये देखो बराबर वीक है इन दोनों की, राइट। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल लट्टू के शेप की होती है, ठीक है, जिसमें ना के बराबर बॉडी भी हो सकती है डोजी टाइप, या फिर छोटी सी माइनर बॉडी भी एक्सेप्टेड होती है, लेकिन ऊपर और नीचे बराबर विक होना चाहिए। यानी कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क चलता है, लेकिन बराबर दिखना चाहिए। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और दिखा देता हूँ मैं एक फोटो, ये देखो बराबर दिख रहा है, राइट। इसको बोलते हैं स्प्रिंग टॉप कैंडल। तो जब ये भी बनती है, अगर मान लो ये किसी मान लो कि मार्केट चल रही है, स्ट्रांग मोमेंटम उसका अप मोमेंट की तरफ है, और उसके बीच में कहीं आ जाए तो वो रिवर्सल का काम नहीं करेगी, वो कंटिन्यूएशन का काम करेगी। लेकिन अगर किसी अप मोमेंट के टॉप पर आ रहा है, टॉप पर, और अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। यानी कि इसमें ना तो बुलिश की पावर दिखी, ना बेरिश की पावर दिखी, तो कौन हावी है पता ही नहीं है मार्केट में उस पॉइंट पर।
कौन जीता कौन हारा, तो उसके बाद जो कैंडल बनती है समझ लो वो जीत गया। यानी कि अगर मान लो मार्केट चढ़ रही है और चढ़ते हुए मार्केट पर टॉप पर स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाए, तो वहां पर ना तो बायर्स जीते ना सेलर जीते, तो हमें इंतजार है अगली कैंडल का। मान लो अगली कैंडल ग्रीन बन गई तो समझ लो मार्केट कंटिन्यू करने वाली है, बायर्स वहां पे हावी हैं। लेकिन अगर रेड बन गई तो मार्केट दैट्स रिवर्सल पॉइंट, वहां पे आप 3 से 5 मिनट की पुट लोगे। ऐसे इसको यूज करते हैं। अब मान लो कि मार्केट गिर रही है और गिरते मार्केट में स्पिनिंग टॉप आया, उसके बाद एक कैंडल रुको, अगर ग्रीन आ रही है तो 3 से 5 मिनट की कॉल, अगर रेड आ रही है तो ट्रेड मत लो। समझ गए? देखो सेम मार्केट चढ़ती हुई मार्केट में यहाँ पर रेड बनी, यहाँ पे क्या बोलते हैं स्प्रिंग टॉप कैंडल, उसके बाद हमने इंतजार करा अगली कैंडल का, रेड बनी, शॉर्ट शॉर्ट होती 1 2 3 4 5 राइट। अब जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्या स्प्रिंग टॉप है, इसके बाद ग्रीन बनी, मार्केट ऊपर गई है 3 मिनट ले तो एटलीस्ट गई, उसके बाद गिरी वापस। और भी देख लेते हैं फटाफट से हम, बहुत एग्जांपल मिलेंगे। स्पिनिंग टॉप राइट, इसके बाद रेड आई, यहाँ पे अगर आप लेते 3 मिनट की पुट 1 2 3 1 2 3 मार्टिंगल आई टी एम में, अगर 5 मिनट लेते 1 2 3 4 5 फिर तो शॉर्ट शॉर्ट ही है राइट। अब ये देखो मैं क्या कहा था, देखो अब ये गिरती हुई मार्केट में स्प्रिंग टॉप आई और इसके बाद रेड ही बनी, मार्केट नीचे ही गया, समझ गए ना? हाँ मतलब बीच में बन रही है ना तो उसका मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यू ही है, नहीं जरूरी नहीं है। मान लो इसके बाद अगर मान लो ग्रीन बन जाती तो वहां से होती। हाँ मैंने कहा तो, क्योंकि स्पिनिंग टॉप कैंडल एक इनडिसिसिव कैंडल है, तो उसके बाद वाली कैंडल आपको कंफर्म करेगी कि मार्केट अब कहाँ जाने वाली है। जैसे कि यहाँ भी देखो एक आया था, लेकिन ये तो वैसे नहीं है स्पिनिंग टॉप, नहीं स्पिनिंग टॉप, लेकिन ये तो है, है ना, ये तो है। इसके बाद अगर ग्रीन बनती तो फिर मार्केट रिवर्सल ले सकती थी, लेकिन रेड बनी तो यानी कि यहाँ पे सेलर्स ही हावी हैं अभी तक, तो मार्केट नीचे गई कंटिन्यूस। यहाँ पे आपका बुलिश एंगल्फिंग आया, बूम राइट। अब ये क्या है? अरे स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप हाँ। हाँ इसके बाद क्या बना है? फिर रेड कैंडल बनी, फिर तो यहाँ से 3 मिनट के लिए आप लेते तो शॉर्ट शॉर्ट होती, ठीक है। बाकी सब तो सब सीख ही गए हो आई होप। तो हमने काफ़ी पैटर्न सीख लिया, हमने बुलिश एंगल्फिंग सीख लिया, बेरिश एंगल्फिंग सीख लिया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड स्पिनिंग टॉप कैंडल राइट। तो इसके अलावा क्या कोई और पैटर्न देखने को मिलता है क्या दादा? और कोई पैटर्न क्या सिखाना चाहिए? बहुत है, इतना काफ़ी आई थिंक, है ना? इसके यही दिखते हैं मैक्सिमम राइट। ये देखो ये स्प्रिंग टॉप है, ऑलमोस्ट बराबर वीक है, रेड आई यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट होती, ठीक है। तो आई थिंक इतना एनफ है राइट। तो आप सीख गए पक्का, अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा तुम चीज़ों को देखोगे सामने लाइव ट्रेड में, उतना ज़्यादा वो उसका एक्सपीरियंस होगा। इसके अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैंने सीखे थे तो मैं ट्रेडिंग व्यू पर जाके सारे पैटर्न मैंने बनाए थे। जैसे कि मान लो कि एक सेकेंड, जैसे कि मान लो कि मैंने जितने पैटर्न सीखे मैं सब ढूंढता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे कि ये हैमर है, इन्वर्टर हैमर, तो मैं जब ऐसे ढूंढता था तो ढूंढने के बाद ऐसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता था ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मैंने देखा हुआ है लाइफ में राइट। तो सारे पैटर्न अच्छे से देखो, उनका स्क्रीनशॉट लो, जितने भी हैं चार्ट पैटर्न्स भी। और चार्ट पैटर्न तो पता मैं क्या करता था, जैसे कि मान लो कि मैंने जितने पैटर्न सीखे सारे मैं यहाँ पे आके बनाता था, कैसे, लाइक दिस। जैसे कि मान लो मुझे अब एक पैटर्न दिख रहा है, तो ऐसे जब मुझे दिखा कि हाँ मुझे कुछ मिल गया है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर ऐसे बनाता था, उसके बाद मैं यहाँ से ऐसे बनाता था, मतलब ये पूरा मैं उसको बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता था मेरे को ऐसे बनाना,
उसको ड्रॉ कर देना पूरा ऐसे, बना के दिखाई देता हूँ मैं, ये और ये डबल टॉप राइट। अब यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं, यह जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे बीच में एक फेक ब्रेकआउट आया है, ये वो राइजिंग वेज है, ये राइजिंग वेज पैटर्न है। तो जब मुझे ऐसे दिखता था, मैंने बनाया, तो बनाने के बाद मैं इसका फोटो लिया और फोटो रखा, तो मुझे वो दिमाग में छप गया कि हाँ ऐसा होता है राइट। तो ऐसे आप भी करना सारे पैटर्न। अब देखो मुझे लाइव एक और मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनाया, अब इतना छपा हुआ है, मुझे एक मिनी सेकेंड लगता है परखने में किसी पैटर्न को, जो बना हो ना बना हो। अब बताओ क्या है ये हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर है, देखो परफेक्ट। ऐसे बहुत अच्छा लगता था मेरे को बनाना, ऐसे बनाया यहाँ से ऐसे, बस बढ़िया फोटो खींच लो, सिंपल है कि नहीं मज़ेदार, अच्छा भी लगता, कॉन्फिडेंस भी आता कि हम सीख रहे हैं। तो ऐसे करना ठीक है, तो चलो फिर इसके साथ एंड करते हैं आज के इस चैप्टर को। आई होप आपको सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। अगेन ये लो बटन दबा रहा हूँ एक बार, ठीक है। दिस इज कुमार शेख, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बिकमिंग बिलियनर, डोंट क्राई मोर।